नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं टेबल पे मैंने कुछ केबल लग्स रखे हुए हैं मार्केट से कलेक्ट करके। ये केबल लग्स जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह के केबल लग्स जो रखे हुए हैं वो एल्युमिनियम मटेरियल के हैं और इस तरफ के कॉपर मटेरियल के। नॉर्मली हम कब कौन सा मटेरियल का लग यूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है केबल के मटेरियल के ऊपर। अगर केबल का मटेरियल एल्युमिनियम का है तो हम एल्युमिनियम लग यूज़ करेंगे, अगर केबल का मटेरियल कॉपर का है तो हम कॉपर मटेरियल यूज़ करेंगे। बहुत तरह के केबल लग्स होते हैं। नॉर्मली हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा लग कब यूज़ होगा। आप देख पा रहे होंगे ये रिंग टाइप एल्युमिनियम लग, ये रिंग टाइप शॉर्ट बैरल 300 स्क्वायर एमएम लग, ये 150 स्क्वायर एमएम रिंग टाइप लॉन्ग बैरल लग, ये रिड्यूसर टाइप एल्युमिनियम लग, कॉपर में आ जाइए पिन टाइप, रिंग टाइप, रिंग टाइप इंसुलेटेड, ये फॉक टाइप, दिस इज बूटलेस लग। बूटलेस लग में भी आप देख पा रहे होंगे ये ब्लैक कलर का इंसुलेशन पीछे है, इसमें ब्लैक कलर का पीछे इंसुलेशन है। नॉर्मली कंट्रोल वायरिंग्स में जहाँ पे हमें कलर कोडिंग करना रहता है RYBN, तो उस के लिए हम अलग अलग कलर के ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कॉपर का 300 स्क्वायर एम का लग है। कोई भी लग हम जब लेते हैं तो उसके दो पार्ट के बारे में हमें जानना होता है। ये हमारा बैरल के रूप में जाना जाता है और ये पाम जो बस बार के ऊपर में रेस्ट करता है और यहाँ से नट बोल्ट कनेक्शंस की जाती है। नॉर्मली किस टाइप के लग कब कहाँ यूज़ होते हैं हमें ध्यान देना होता है। ये एक फॉक टाइप का लग है और ये एक रिंग टाइप का लग है, जो दोनों ही सेम स्क्वायर एमएम का है। लेकिन फॉक टाइप का लग हम कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ जो स्क्रू वाली बोल्ट होती है वो हमारी टीबी में ही रह जाए, तो वहाँ पे हम फॉक टाइप का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम इसे टीबी में डालकर यहाँ से टाइट्स कर दिए और ये उसमें जाके फिट हो गया। जब हम इसे निकालना रहता है तो हल्का सा लूज़ करके नीचे से निकाल लेते हैं, तो फॉक टाइप का लग्स हम वहाँ यूज़ करते हैं। लग्स परचेज करते समय हमें कुछ स्पेसिफिकेशंस देने पड़ते हैं कि वो किस IS कोड के अंतर्गत बना है। इंडियन स्टैंडर्ड्स 8394 के हिसाब से हमारे लग्स जो हैं वो बने होने चाहिए। फिर उसके बाद आता है टाइप, वो हमें रिंग टाइप चाहिए या पिन टाइप चाहिए, फॉक टाइप चाहिए, फ्लैट टाइप चाहिए या रिड्यूसर्स टाइप चाहिए। मेनली ये पांच तरह के लग्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ये रिंग टाइप लग है, ये पिन टाइप लग है, ये देख रहे होंगे पिन टाइप लग आगे से पिन जैसा है, फॉक टाइप लग जो आगे से फॉक है, और फ्लैट टाइप लग। फ्लैट टाइप लग जिसमें क्या रहेगा, यहाँ पे जो रिंग दिया हुआ है वो रिंग अवेलेबल नहीं होता है, फ्लैट होता है, जो हम सिंपली पुश ऑन करते हैं। मटेरियल में एल्यूमिनियम चाहिए हमें या कॉपर चाहिए वो हमें डिस्क्राइब करना रहता है, या बाई मेटेलिक चाहिए वो डिस्क्राइब हमें करना रहता है। बैरल्स हमें बताने पड़ते हैं कि आपको लॉन्ग बैरल चाहिए या शॉर्ट बैरल चाहिए। ये लग शॉर्ट बैरल है और ये लग लॉन्ग बैरल है, जो हमारी एप्लीकेशंस के हिसाब से डिसाइड करते हैं। अगर हमें हैवी ड्यूटी टर्मिनेशंस करनी है तो हम लॉन्ग बैरल यूज़ करेंगे, अगर हमें टर्मिनेशंस मीडियम ड्यूटी करनी है तो हम शॉर्ट बैरल यूज़ करेंगे। हमें इंसुलेटेड लग चाहिए या नॉन इंसुलेटेड लग चाहिए। नॉर्मली इंसुलेटेड लग हमें अप टू 10 स्क्वायर एमएम या अप टू 16 एमएम स्क्वायर एमएम लग तक ये देखी जाती है, क्योंकि कनेक्शंस निकालते वक्त अगर हमें शॉक लगने का खतरा है उस समय में हम इंसुलेटेड लग्स यूज़ करते हैं। रिंग टाइप लग परचेज करते समय हमें एक और बात का ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना पड़ता है वो समझाने के लिए मैंने ये दो लग अपने हाथ में पकड़े हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों लग 10 स्क्वायर एमएम केबल के लिए सूटेबल है, लेकिन रिंग होल ये 6-8 स्क्वायर एमएम है और इसका रिंग होल 10 स्क्वायर एमएम है। जब हम बोल्टेड कनेक्शंस करते हैं लग का, तो वहाँ पे हमें
ये देखना रहता है कि हमारा जो बोल्ट है वो 8 square mm का है या 10 square mm का है। अगर हमारा बोल्ट 8 square mm का है तो हम 8 square mm होल वाला लग लेंगे, लेकिन अगर 10 square mm का बोल्ट है तो हम 10 square mm होल लेंगे। नहीं तो क्या होगा दोस्तों कि अगर हमारा जो बोल्ट है वो 10 square mm का है और हमने लग खरीद लिया 8 mm होल वाला, तो ये 8 mm का होल उस 10 mm बोल्ट में कनेक्शंस नहीं हो पाएगा और आपने जो लग खरीदा है वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या देखनी होती है, ये हमारे पास 25 square mm का रिंग टाइप लग है और ये हमने लिया 10 square mm का रिंग टाइप लग। आप देख रहे होंगे पा रहे होंगे कि ये सर्कुलर है और ये आपका रेक्टेंगुलर शेप दे रहा है पाम। नॉर्मली इस टाइप के लग्स को हम बस बार के ऊपर कनेक्शंस कर सकते हैं, लेकिन टीवी में कनेक्शंस इसको नहीं किया जाता है। टीवी मीन्स अगर किसी मोटर टीवी में हमें कनेक्शन करना है तो हम ये राउंड लग का यूज़ नहीं कर पाएंगे कि क्योंकि मोटर टीवी ऑलवेज स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसा शेप बनाती है। सो उस केस में हमें इस लग का यूज़ करना पड़ेगा जो टीवी में बिल्कुल फिट बैठे या जो हमने यूज़ करना है वो प्रॉपर तरीके से यूज हो सके। तो दोस्तों आपने ध्यान रखा है कि इस टाइप के लग हमें मोटर टर्मिनेशंस या ऐसी जगह पे जहाँ पर फ्लैट एरिया, जहाँ पर पाम एरिया हमारा कम है, वहाँ पर हम नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन बस बर वाले एरिया में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने पिन टाइप के 35 square mm कॉपर लग लिया है। MCBs के जो कनेक्शंस होते हैं उसमें इस टाइप के हमें पिन टाइप पिन लग यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो MCBs के जो आप देखेंगे जहाँ पे टर्मिनल्स कनेक्शन होते हैं उसमें इस तरह के कनेक्शंस होते हैं, जो हम स्क्रू धीरे धीरे टाइट करेंगे तो इसको ग्रिप करके अच्छे से पकड़ लेता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना रहता है कि जहाँ पे हम लग का टर्मिनेशन कर रहे हैं उसका शेप किस तरह का है। तो दोस्तों ये आपने देखा, आप एक देख पा रहे होंगे कि मेरे पास ये एक फेरुल है। नॉर्मली फेरुल में जहाँ पे क्या रहता है, एक साइड से एक केबल का कोर आएगा, दूसरे साइड से केबल कोर आएगा, उसे हम बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस पे, मतलब 50% ये वाला कोर कवर करेगा इसको, 50% ये कोर कवर करेगा, उसके बाद हम इसे क्रिम्प कर देते हैं और एक कोर बना के इसके ऊपर इंसुलेशन वगैरह या हीट सिंक ट्यूब होते हैं उसको यूज़ करके ज्वाइंटिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये एक सैंपल के लिए लाया था जो मैं सोचा समझा दूँ। उसके बाद ये है क्रिम्पिंग टूल। ये जो क्रिम्पिंग टूल है ये अप टू 6 square mm का है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्रिम्पिंग के डोनेशंस दिए हुए हैं 0.5 से लेकर 6 square mm तक। अब हमें जो केबल लग क्रिम्प करनी है उसे हम समझेंगे। जैसे मैंने लिया है अभी ये 6 square mm का इंसुलेटेड लग, आप देख पा रहे होंगे ये 4 to 6 square mm का लग है। अब अगर इसे मुझे क्रिम्प करना है तो मैं 6 square mm वाली जो 6 square mm वाली जो स्लॉट है मैं उसे उसमें प्लेस करूँगा इस तरीके से और उसे क्रिम्प कर दूँगा। अभी एग्जांपल के तौर पे हम सीधे देख रहे हैं क्योंकि इसमें केबल नहीं लगाया हुआ है और वो क्रिम्प हो जाएगी। क्रिम्प हमें अच्छी तरह से करना है कि लग का साइज़ डिस्टॉर्ट नहीं हो और केबल कनेक्शंस लग के साथ बनी रहे। तो दोस्तों ये लग के बारे में हमने देखा जो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की है, आज हम काफ़ी चीज़ें समझने की कोशिश किए होंगे। तो अगर फिर भी आपके पास कुछ क्वेरीज हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसका रेजोल्यूशन करेंगे।